हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए करवा चौथ और भैया दूज स्पेशल रेसिपी चूहा फारा लेकर आई हूँ, जो हमारे घर इन त्योहारों में ज़रूर बनता है। तो इसको बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इस रेसिपी को फटाफट बनाने की कोशिश की है। तो आप भी देखिए कि मैंने ये कैसे बनाई है। इसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल दिया और मैंने 2 कप चावल का आटा लिया और उसको उस बॉयल होते हुए पानी में मैंने डाल दिया और मिक्स करते हुए इसको चलाना है आपको अच्छे से। इस तरह से आप आटा पका के बनाएंगे तो आपके फरे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। वैसे तो गर्म पानी में भी ये आटा लगाते हैं लोग, लेकिन मैं इस तरह बनाती हूँ पका के आटा, तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और इस रेसिपी से आप बनाएंगी तो आपका परफेक्ट आटा उतरेगा। अब मैं इसको थोड़ी देर फ्लेम ऑफ करके और ढक के रख दूँगी। जब ये ठंडा होने लगेगा तब मैं आटा लगाऊँगी। अब मैं स्टफिंग के लिए मैंने बेसन लिया है और दही लिया, नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग चाहिए हमें। अब मैं इन बेसनों में 2 स्पून दही डाल दूंगी और स्वाद के अनुसार इसमें आप नमक डाल दीजिए। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप मिक्स करिए कि कोई लम्स ना रहे। और इसकी कंसिस्टेंसी हमको गाढ़ी ही चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये बनेगा नहीं सही से। और उसको 2-3 मिनट तक हम लगातार इसको फेटेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। देखिए मैंने फेट लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, तब तक मैं आटा लगाऊँगी। अब मैंने आटा जो पकाया था उसको एक बर्तन में निकाल लिया और उसको मसलते हुए मैं आटा लगाऊंगी। अब मैं जिसमें बनाना है उस स्टील की चलनी मैंने ली है, उसमें मैंने ऑयल लगा दिया और ये आटा तैयार हो गया। अब मैं इसको बनाना बता रही हूँ। मैं ये 3 तरीके से बनाया है मैंने फरा, जो आपको सही लगे आप उस तरह बनाइए। मैंने एक लोई ली और उसको मैंने रोटियों की तरह बेल दिया, बड़े साइज़ में मैंने बेला है। अब मैं इसमें जो स्टफिंग है उसको फैला दूंगी। इस तरीके से बनाने से हमारा बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब मैं इसको फैलाने के बाद और ऐसे ऐसे रोल कर दूंगी चपटा चपटा। देखिए ये मेरा इस तरह बन गया। अब मैं इसको इस चलनी में डाल दूंगी। अब मैं दूसरी तरीके से बना रही हूँ। फिर आप एक लोई लीजिए बड़ी सी और उसको इस तरह बेल दीजिए रोटी की तरह। और 1 ग्लास लीजिए चाहे कटोरी, आपके पास जो भी हो आप, और उससे मैं ऐसे कट कर दूंगी। देखिए मेरे 4 पीस बन गया इसमें। अब मैं बीच में उसको रखूंगी ऐसे मोड़ मोड़ के,
सारे इस तरह मैं इसी तरह बना लूँगी। मेरी दूसरी विधि है बनाने की। अब मैं तीसरी बता रही हूँ कि मैंने तीसरे तरीके से कैसे बनाया है। एक मैंने छोटी सी लोई ली पूड़ियों की तरह, इसको बेल लूँगी। देखिए मैंने ये पूरी की तरह बेल लिया। इसी तरह से मैं बेल लूँगी। और इसमें भी इसी तरह मैं लगाते हुए सारे रख दूँगी पकने के लिए। मेरे सारे बन गए हैं। अब मैंने इसको भाप से मैं पकने दूंगी और 10 मिनट में ही मेरा पक के तैयार हो गया। ये आप ऐसे टूथपिक इसमें डाल के देख लीजिए और ये देखिए मेरा साफ़, जब आपका टूथपिक निकले तो समझिए पक गया। और मैंने जो ये लंबे वाले बनाए थे मोड़ के, फिर उसको जब ठंडा हो जाए तो आप ऐसे तरह कट कर दीजिए। मैंने 3 तरीके से बनाई है, आपको जैसे भी सही लगे आप उस तरह बनाइए। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। अब मैं चौवा आपको बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए इस तरह का मेरे पास मशीन था, इसमें मैंने ऑयल लगा लिया और ये प्लेट है, मेरे स्टार बने हुए प्लेट है, उसमें मैं ऐसे लगा दूँगी। और मैंने जो आटा लगाया था एक बड़ी सी लोई लूँगी और इसमें डाल दूँगी। ये भी बहुत ही इजी तरीका है बनाने का और ये भी बहुत ही फटाफट बन जाता है। अब देखिए मैंने ये चलनी ली स्टील वाली, उसमें मैंने इसको ऐसे घुमाते हुए इसमें डाल दिया। बहुत ही इजी तरीका मैंने बनाना बताया है। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही बना सकते हैं आराम से। अब मैंने इसको भी भाप से पकने के लिए रख दिया। बस ये सारे 10 मिनट में ही पक जाते हैं। देखिए मेरा पक गया है। अब देखिए मैं इसमें ऐसे, आप चाहे तो ऐसे से तोड़ के हाथ से भी रख सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे तोड़ दिया हाथों से, नहीं तो आप ऐसे एक एक उठाइए और आप ऐसे हाथों से तोड़ते जाइए। अब मैं बताती हूँ कि इसको आप ऐसे चाहे तो चाकू से भी कट कर सकती हैं। मेरा रेडी हो गया बनके। देखिए कितना ही मैंने झटपट बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई